मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शराबी पति की हैवानियत सामने आई है। पति ने शराब के नशे में पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई है। वहीं पत्नी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। मामला बैतूल के बोरदई थाने का खेरी गाँव का है, जहाँ महिला रात घर में सो रही थी, तभी महिला का शराब के नशे में घर आया और अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट करने लगा। वहीं परिजनों को मामले की खबर लगते ही महिला को मुलताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे और भर्ती कराया गया था, लेकिन महिला की हालत गंभीर होने के कारण महिला को जिला अस्पताल बैतूल रेफर कर दिया गया था, जहां पर इलाज के दौरान महिला की कल रात मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। महिला वहाँ से मुलताई से रिफ़र होकर जिला अस्पताल भर्ती हुई थी, जिसका नाम है कौशल्या, पति रंगिया यदुवंशी है, उम्र 45 साल लगभग है। और पहले तो उसने मुलताई में बताया नहीं कि क्या हुआ, उसके पति ने पता नहीं धमकाया क्या किया। बैतूल अस्पताल में जिला अस्पताल के डॉक्टर को बताया था, ड्यूटी डॉक्टर को, कि उसके साथ पति ने मारपीट की है, जिसकी तहरीर दी थी डॉक्टर साहब द्वारा, उसकी MLC कराई गई और थाना बोरदेई से संपर्क कर उसके खिलाफ 2 चरण 5 से 3 से 23 का मामला दर्ज किया था।